कल पूरे देश में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ एटा जनपद के सबसे प्राचीन होली मोहल्ले में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे, ये होली है जो कि 400 साल पुरानी होली है, यहाँ रखी जाती है और इसी कारण इस मोहल्ले का नाम भी होली मोहल्ला पड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी राजा रहे, जितने भी शासक रहे, उन्होंने मिलजुल कर होली बनाने का एक परंपरा शुरू की और कहा जाता था कि राजकीय रूप में यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता था। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने ये पूरा दृश्य देखा है या सुना है, आइए उनसे बात करते हैं कि होली मोहल्ला जो कि एटा जनपद का सबसे प्राचीन मोहल्ला है, इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सबसे पुरानी होली जलाई जाती है, होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे बीच है ज्ञानेंद्र रावत जी, जो कि इतिहासकार है और लेखक भी है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ महत्व है इस होली का। यहाँ पे होली का प्रश्न है, हमारे एटे की होली सबसे पुरानी तकरीब 5 शताब्दी पुरानी होली है और इस होली की स्थापना 15वीं शताब्दी के आसपास यहाँ के राजा, पहले को इतिहास में संग्राम सिंह का उल्लेख है, लेकिन उस समय उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो ताल्लुकेदार थे उनको ये दायित्व सौंपा था, तो उन ताल्लुकेदार ने यहाँ पर यहाँ की, क्योंकि आबादी के लिहाज से बहुत कम आबादी थी, यहाँ उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव सबसे मेन जोल के पर्व के तौर पर यहाँ होली की शुरुआत की। और ये होली हमारी एक राष्ट्रीय अस्मिता का पर्व है, होली को हम सब सांप्रदायिक सद्भाव का पर्व तो मानते ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता के देश के भिन्न भाषा भाषियों के बीच में संप्रदाय के लोगों में संप्रदाय पंथ और सभी के साथ मिलकर मनाने वाला ये पर्व इस बात का साक्षी है कि हमारे यहाँ धर्म द्वेष से परे होकर लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिला करते थे। चलिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका कहना है कि लगभग 5 शताब्दी यानी 500 साल पुरानी ये होली है। हमारे बीच है श्री शैलेंद्र शर्मा जी, जो कि यहाँ शिक्षक रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, यही इनका मकान है, आइए इनसे पूछते हैं क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या कुछ सुना है इस होली के बारे में। होली मोहल्ला की होली जो है सबसे प्राचीनतम होली है एटा की। यहाँ जब होली मनाई जाती है तो एटा शहर के बहुत दूर दूर के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, सब सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इस होली को मनाते हैं, बैर भाव कोई किसी से नहीं रखता है, अगर किसी से कोई दुश्मनी है, लड़ाई है, उसके बावजूद भी सब गले मिलते हैं और बड़े शान से इज्जत के साथ होली मनाते हैं। यहाँ की होली जो है इतिहास में इसका बहुत नाम है, ये बहुत पुरानी होली है, अभी शायद मेरा मान है मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से इस होली को देख रहा हूँ, शायद इतना बड़ा उत्सव होली का पूरे शहर में नहीं मनाया जाता जितना बड़ा उत्सव यहाँ होली मोहल्ला में मनाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में एक और सर, क्या सुनना है आपका, बताइए क्या होली के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि आप यहीं के वासिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बहुत प्राचीन होली है, असल होली का त्यौहार है, तो जरा बताएंगे खासतौर से होली मोहल्ला की होली के बारे में। यहाँ की होली प्राचीनतम होली है, जब होली जलाई जाती तो जितनी होलियाँ शहर में सबके लिए यहीं जलाई जाती है, सब लोग यहाँ होली खेलते हैं प्रेम से सद्भाव से मिलजुल के, और काफी प्राचीनतम होली। चलिए, हमारे बीच एक और यहाँ के बाशिंदे हैं जिन्होंने होली के इस पूरे दृश्य को देखा है, पूरा एक कालखंड देखा है, श्री नरेंद्र सिंह जी जो कि अधिवक्ता भी आएंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ उनको जानकारी है होली के बारे में। यहाँ की एटा नगर की बहुत पुरानी होली है और इतनी पुरानी होली है कि अन्य होलियों के लिए यहीं से आग जाती है। इस होली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शहर की पुराने जमाने की राजाओं के गढ़ी लवाएं राजा थे उनके जमाने की होली है और उसी समय से यहाँ प्राचीनतम कुआ बना हुआ है जो छतरी वाले कुआ से चर्चित है। दूसरी बात ये है, ये होली मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य से जुड़ा हुआ है और वो मुस्लिम भी इस होली
में सहयोग करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और भाईचारा निभाते हैं। तो ये थे यहाँ के वासिंदे जिनका के साफ कहना है कि ये होली जो है बहुत पुरानी है और इस होली को मनाने की परंपरा लगभग 500 साल पुरानी। हमारे बीच में एक और सज्जन है, पूछेंगे क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। ये बताइए इस होली के बारे में जरा कुछ बताएंगे, जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साह है, तैयारियां हो रही है, क्या कुछ है इसका महत्व? ये होली मोहल्ले की सबसे प्राचीन होली जलती है। मेरा जन्म यहाँ 60 साल हो गए, मैं 60 साल से यहाँ हूँ, मेरा जन्म यहाँ से है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ये इससे अटैच छतरी वाला कुआ भी है, वो भी है सबसे प्राचीन। पहले होली में छतरी वाला कुएं पर वहाँ पर टेसू फूल भर के वहाँ कुंडी थी, वहाँ टेसू फूल भर के वहाँ नहाते थे, होली खेलते थे और वहीं पर पास होली जलाई जाती है। यहाँ पर सभी एक दूसरे सहयोग से और सारे सब लोग मोहल्ले के वासी सहयोग कर होली मनाते हैं, बड़ा प्रसन्न चित्त। यानी कि आपका कहना पहले प्राकृतिक जो रंग थे उनका प्रयोग किया जाता था, आजकल केमिकल रंग आ गए हैं, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि पहले प्राकृतिक होली होती थी, टेसू के फूल से रंग बनाए जाते थे और तरह तरह के फूलों से, आज केमिकल का यूज हो रहा है, कितना खतरनाक है ये? केमिकल का यूज अब तो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, अब लोग कुछ प्राकृतिक गुलाल की तरफ ज्यादा लोग आने लगे हैं और ये टेसू का फूल वो भी प्रयोग करती है, एक केमिकल वाला रंग का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। चलिए तो ये थे यहाँ के कुछ निवासी और मैं दिखाना चाहूंगा एक यहाँ पर छतरी वाला कुआं हुआ करता है जो कि आज भी है। बताया जाता है कि 1890 में इस कुएं को यहाँ के तत्कालीन राजा देवसुख राय ने बनवाया था और इस कुएं की विशेषता ये थी कि यह होली खेलने के बाद यहाँ पर औदी और नांद बनी हुई थी जिसमें टेसू के फूलों का रंग बनाया जाता था और उसको खेलने के बाद इसी कुएं में लोग स्नान किया करते थे। इस कुएं ने बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था भी देखी है लेकिन वर्तमान में मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे, इसका पुनरुद्धार किया गया है, दोबारा इसमें छतरी लगा दी गई है और इसको पुराना रूप देने की कोशिश भी की गई है। तो होली का पर्व जो कि गंगा जमुनी संस्कृति का भी प्रतीक है और खास तौर से एटा जनपद का ये होली का जो स्थल है लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है और सबसे बड़ी बात कि हिंदी खड़ी बोली के कवि या हिंदवी के पहले कवि हजरत अमीर खुसरो जो कि तत्कालीन एटा जनपद में ही पैदा हुए, उन्होंने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में होली के अवसर पर कुछ पंक्तियां समर्पित की थी और अपनी माँ के सामने उन्होंने राग बहार गाया था। उन्होंने कहा था, आज रंग है ए माँ रंग है री, आज ख्वाजा के घर रंग है री। ये जो नज्म थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो कि अपने गुरु के लिए थी, ये दर्शाती है कि एटा जनपद हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का जनपद रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर होली का त्यौहार दिवाली का त्यौहार मनाते आए हैं और यही संस्कृति आगे भी यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको ले जाना चाहती है और पूरी तरह से जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे ले जाने में ये सारे लोग मदद कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।